हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो ट्यूबलेस टायर और ट्यूब वाले टायर में हम बताएंगे आपको कौन सा टायर आपके लिए बेस्ट है और कौन सा टायर की जो लाइफ होती है और उसकी सर्विस जो होती है वो कौन से टायर की बेस्ट होती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मेरे पास जो टायर है इसमें से एक ट्यूबलेस टायर है और एक ट्यूब वाला टायर है। दोनों ही एक ही कंपनी के टायर है, दोनों सीएट कंपनी के टायर हैं और दोनों का मॉडल भी सेम है। दोस्तों इसका जो मॉडल है वो दोनों का मॉडल जो है वो सीएट माइलेज के नाम से जो आता है टायर, वो ये दोनों वही टायर हैं। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इनकी जो ग्रिप है वो भी सेम है। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टायर आपके लिए बेस्ट रहेगा। दोस्तों ये कंडीशन है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या कैसे ट्रैवल करते हैं और क्या मतलब अपने लोकल का काम है। दोस्तों यानी कि आप कहीं बाहर ट्रैवल करते हैं, वन सिटी तो अनदर सिटी जाते हैं, या किसी आपका अप डाउन का काम है डेली का, दोस्तों उस कंडीशन में आप ट्यूबलेस टायर की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ट्यूबलेस टायर की जो सर्विस होती है, यदि कोई पंचर वगैरह हो जाता है टायर में तो वो इजीली आपको अपनी मंजिल तक पहुँचा देता है। इस कम्पेयर टू ट्यूब वाला टायर, वो जो इसमें अगर कहीं पर पंचर वगैरह हो जाता है तो वो टायर जब ही बैठ जाता है। इसका सबसे पहला बेनिफिट तो दोस्तों ये है कि आप कहीं पे जा रहे हैं, आपके टायर में पंचर हो गया तो वो जब भी चलता रहेगा और ट्यूब वाला टायर तभी बैठ जाएगा। दोस्तों इसका इसका एडवांटेज तो ये हो गया। दोस्तों इसका डिसएडवांटेज दोस्तों कह सकते हैं इसकी जो लाइफ होती है थोड़ी कम होती है कम्पेयर टू ट्यूबलेस कम्पेयर टू ट्यूब वाला। और यानी कि दोस्तों को मैं आपको बताता हूँ, अगर ये दोस्तों 30,000 किलोमीटर चलेगा तो ये 22-23,000 किलोमीटर चलेगा। अगर ये ट्यूब वाला टायर 20-30,000 किलोमीटर चलता है तो 22-23 पे ये बीत जाएगी। मतलब इसका ये डिसएडवांटेज कह सकते हैं कि ये जो इसका लाइफ होती है वो थोड़ी कम होती है कम्पेयर टू ट्यूब वाले टायर से। दोस्तों इनमें डिफरेंस क्या है बेसिकली, तो मैंने आपको बताया दोस्तों, अगर यदि आप कहीं पे आपका ट्रैवल का काम है डेली का, या कहीं पर अपडाउन का काम है, या आपको कहीं दूसरी सिटी जाना पड़ता है, या आपका फील्ड का काम है, दोस्तों आप ट्यूबलेस टायर लगवाए, क्योंकि उसकी जो लाइफ थोड़ी कम होती है। बट पिंचर वगैरह में आपको कंफर्टेबल रहेगा तो ईजिली आप ट्रैवल कर पाएंगे। दोस्तों यदि आपका काम थोड़ा नॉर्मल या लोकल का ही काम है तो आप ट्यूब वाला टायर पे जा सकते हैं, क्योंकि इसकी उम्र भी ज़्यादा होती है। और दोस्तों बट इसमें इजीली पिंचर भी लग जाता है, क्योंकि इजीली अवेलेबल हो जाते हैं शहर वगैरह में पिंचर वाले, बट गांव वगैरह में नहीं हो पाते हैं। दोस्तों इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या है मैं दोस्तों ये और बता दूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये ट्यूबलेस टायर है मेरा सीएट का। ये देखिए सीएट, ये माइलेज का नाम से आता है दोस्तों, और ये ओरिजिनल ट्यूबलेस कंपनी का, ऐसा नहीं ये ट्यूब वाला टायर है, इस पर लिखा हो दोस्तों। अब ये ज़रूर देखें आप जब कभी भी ट्यूबलेस टायर लें तो उस पर ट्यूबलेस लिखा है कि नहीं, जैसे कि दोस्तों यहाँ लिख रहा है ट्यूबलेस ये। और बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है, इसमें ट्यूब होती है तो उसे हम ट्यूब टाइप टायर कह देते हैं। ये देखिए ट्यूब इसके अंदर, बाकी सेम है सब कुछ, बस इस पर ट्यूबलेस नहीं लिखा होगा। और दोस्तों इसकी जो किनारी होती है ट्यूबलेस टायर की, ये वाली किनारी जो होती है जिस पर रिम चलता है, वो काफ़ी हार्ड होती है कंपेयर टू ट्यूब वाला टायर, और इस वजह से ये रिम पे चिपक जाता है और हवा लीक नहीं कर पाता। अगर किनारी थोड़ी सॉफ्ट होगी तो हवा लीक होगी, इसलिए ही ट्यूबलेस टायर की जो किनारी होती है वो काफ़ी हार्ड देखी जाती है एज़ कम्पेयर टू ट्यूब वाला टायर। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपके लिए वीडियो पसंद रहेगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, और वीडियो पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक करें, नो प्रॉब्लम। तो इन लास्ट आप डिसाइड करिए आपका काम कैसा है। यदि आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप ट्यूबलेस टायर डलवाएं, और यदि आप कहीं बाहर नहीं जा पाते हैं या लोकल में ही आपका काम है तो आप ट्यूब वाले टायर की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाऊँ, और दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।